Hi everyone, I hope you all are doing great and everybody is fine. Understand, a good leader is the one who always keep exploring his strong areas and also weak areas. The reason is that his intention is to keep consolidating his strong areas and trying to offset his weak areas. What I mean to say is that एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी लाइफ में हर समय अपने जो स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं, जिस पर उसकी कमांड अच्छी होती है या जिस पर उसको लगता है कि वो अच्छा है, उसको और बेहतर करने की कोशिश करता है, या कम से कम जितना वो स्ट्रॉन्ग है उतना तो हमेशा रहना चाहता है. अलॉन्ग विद दैट, वो ऐसे पर्टिकुलर एरियाज जहाँ पर उसको लगता है कि उसकी कुछ कमी है या खामियाँ हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है. Hence, coming to the part of interview, an important question comes most of the time, that is, tell me your strength and weakness. And I have observed many times candidates are into the trouble while approaching this question. आज हम उस चीज को सीखेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है. However, before I start, let me make you very clear that I am not gonna give you any particular sort of formula that आप ऐसा बोल देना, because understand, every individual is a unique personality. हर इंसान एक अलग तरह का इंसान होता है, हर किसी की personality अलग अलग तरह की होती है. तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा कि एक्चुअल में टॉपिक क्या होता है, स्ट्रेंथ वीकनेस होती क्या है. आंसर्स आपके अपने होने चाहिए. What I mean to say is that you should not try to mug up somebody's answer. Intellectual autonomy is very important. Autonomy means independent thinking. आपके खुद के thoughts. Like किसी आपके दोस्त की strength weakness अलग होंगी, आपकी weakness strength और अलग होंगी. तो please कभी अपने दोस्त की copy करने की मत कोशिश कीजिएगा. और खासकर तब जब वो कहीं select हुआ हो. Maybe he has got recommended for armed forces. Maybe he has got selected for some other company or XYZ. कई बार क्या लगता है कि वो सिलेक्ट हुआ है तो उसकी अपन भी कॉपी कर लें तो वो बोलकर हम भी सिलेक्ट हो जाएंगे. ऐसा नहीं होता. इंटरव्यूअर इज मोर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट यू एंड ही इज वेल क्वालिफाइड पर्सनालिटी. ही हैज गॉन थ्रू लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स बिफोर टेकिंग योर इंटरव्यू, सो ही कैन कैच वेदर यू आर लाइंग और यू आर सेइंग ट्रुथ. कमिंग बैक टू द पॉइंट, अंडरस्टैंड व्हाई दिस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू यू. देयर आर टू रीजंस बेसिकली. नंबर वन, इट इज for looking, for assessing your self-awareness. Because जिस बंदे को ये नहीं पता कि वो कहाँ strong है, वो अपने आप को कभी भी अच्छे तरीके से unleash कर ही नहीं सकता है. The one who does not know about himself that where actually he is strong at, he cannot unleash himself to the best that he can. For example, if I'm a captain of football team and you have given me the total number of players, 11 including me, right? And I don't know who are the players who are good defenders, who are the good players who can be at forward. I cannot perform my duties as a good captain. अगर मुझे ये नहीं पता मेरे इन 11 खिलाड़ियों में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो forward पर अच्छा खेलते हैं, मुझे अपनी strength नहीं पता, तो as a captain I cannot be a good person. अगर मैं खाना बनाता हूँ और मुझे ये नहीं पता कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी कमांड कौन से तरह का खाना बनाने पर है, तो व्हेन आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी, आई एम कुकिंग फूड फॉर पीपल, पॉसिबली आई विल नॉट बी एबल टू गिव माय बेस्ट. इट्स अ रूल ऑफ नेचर दैट व्हेन यू नो अबाउट योर स्ट्रेंथ, यू आर ऑलवेज एबल टू अनलीश योरसेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ योर टैलेंट, नैक और योर एबिलिटीज, आई कैन से. ऑन द फ्लिप साइड, सेकेंड रीजन, इनफैक्ट इन एडिशन टू दैट आई मस्ट से दैट सेकेंड रीजन, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्यों चेक कीजिए. इनफैक्ट वीकनेस का भी ऐसे ही सेल्फ अवेयरनेस कि आपको पता तो हो कि आप कहाँ लैग कर रहे हो. अगर आपको ये नहीं पता कि आप लैग कहाँ कर रहे हो, सो देर इज अ नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन यू, यू विल बी स्टैगनेंट एट अ पर्टिकुलर स्टेज. एक बात याद रखना, जिंदगी का असूल है, योर एज विल कीप इंक्रीजिंग डे बाय डे, बट द क्वेश्चन इज आर यू इंक्रीजिंग योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी अलॉन्ग विथ योर एज. कहीं ऐसा तो नहीं आपकी एज बढ़ती जा रही है बट आपका जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी, इट इज अगेन देयर ओनली. इवन यू नीड टू आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस एंड कीप इम्प्रूविंग ऑन इट
and move ahead. So starting with weakness, let's take the part of, in fact, second reason I would here quote, second reason that it to self-awareness ho gaya. Second reason why weakness is asked to you, about your self-motivation that has been assessed in you. There are two kind of people. Number one, who does not know about their weakness. Second person, there are people who know about their weakness and they are putting efforts to improve on it. This is what is the self-motivation that they are looking. At the age of 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, if you are not able to identify your weakness and not putting efforts, that reflects your lack of awareness and self-motivation. Starting with the part of weakness. Generally, I have seen that in the interview, when interviewer asks this question, tell me your weakness, or tell me the areas where you would like to improve in yourself, or tell me two things that you would like to improve in you. He may ask you directly, he may ask you indirectly also, right? Directly means he may straight away ask you, tell me about your weakness, tell me your one weakness, tell me your two weakness. He may indirectly ask you, tell me two areas where you would like to improve, tell me two things which you are lacking. Ultimately, he is asking about your weakness only. So generally person say, sir, no, I don't have a weakness. Then interviewer gets an analogical inferences about you that either you are not self-aware or you are trying to hide something, you are trying to lie, which is absolutely wrong. Understand, I have observed lot of candidates are reluctant to tell about the weakness because they feel that if they will mention their weakness, interviewer will never select them. It is absolutely wrong. In this life, each and everybody is having a weakness. Interviewer does not have problem that you are having a weakness, but interviewer is having a problem that you are having a weakness. Despite that also, you are not putting efforts to improve on it, because having weakness is not a problem, but having weakness despite that not putting efforts to improve on it is actually known as the weakness. In fact, the one who is taking your interview, trust me, that person would also be having one or the other weakness. Maybe he is a very senior officer, does not mean that he is 100% in life. Unki bhi weakness hai. Understand, in the interview, the most important thing is integrity, imandari, sachchai. Are hai weakness, khul ke bolo, sir, hai, koi dikkat nahi. Par, uske saath mein, ye zarur batao ki aap usko improve karne ke liye kya kar rahe ho. What I mean to say is that when you mention your weakness, in addition to it, also tell what you are doing to improve on it. For example, let's say my weakness is, say, if I'm not punctual, just imagine of it, right? I'll say, sir, my weakness is sometimes I am not punctual, but I am improving on it. Now, wherever I have to reach, I used to decide 15 minutes prior time as my reaching time. For example, if I have to reach office at 9 a.m., then I decide my reaching time to office at 8:45 a.m. And this way I am trying to improve on it. Fair enough? Good. कोशिश तो कर रहा है बंदा. हो सकता है किसी को स्टेज फियर है. However, technically, I am telling you stage fear, that term is wrong, because fear cannot be of stage. Fear is actually of the people who are, sitting in front of you and when you are on stage. But still, let's take this word stage fear, which is very common in our society. Understand. So my weakness is, I have a stage fear, but I am trying to improve on it. Now I have started participating in the extracurricular activities in my college or in my locality, in my community, and that way I am improving on it. Maybe you get angry very easily. Sir, my weakness is sometimes I get short-tempered, but I am improving on it. I have started doing yoga, meditation, or whatever therapies or something you are doing to improve on it. Maybe, sir, I don't have good communication skill. That is my weakness, but I'm improving on it. I have started interacting with my friends in English. We have decided evening 30 minutes time. We used to read the newspaper loudly and we used to talk among each other. Understand, communication kharab hai, problem nahi hai, par communication ko improve karne ke liye agar aap effort nahi laga rahe ho, that is the biggest problem. Aapko gussa aata hai, ye problem nahi hai. Understand, it's a human behavior, par us gusse ko improve karne ki koshish nahi kar rahe ho, ye actual mein weakness hai. Maybe ho sakta hai. Achha, yahan ek cheez aur main bataunga aapko. I'll give you an example. I was taking one interview. So one of the students said to me, sir, my weakness is I don't have a good handwriting. My handwriting is poor, not good, but I'm trying to improve on it. I started writing one page
in 10 minutes before I sleep every day using ink pen slowly so that I can overcome the cuttings and my handwriting will be improved. Fair enough. But another person, when we shared the experience, तो वो कहता है सर हैंडराइटिंग पुअर कैन हाउ इट कैन बी अ वीकनेस. अंडरस्टैंड हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, दिखने में सुनने में ऐसा लगता है अरे ये कोई बात है बताने वाली. अंडरस्टैंड ये दिखती छोटी बात है बट है छोटी नहीं. इट माइट बी सिली फॉर अदर्स बट इट इज नॉट सिली फॉर यू बिकॉज यू आर नॉट गुड एट हैंडराइटिंग, यू आर वीक इन हैंडराइटिंग. इट्स बेटर एक्सप्लोर योरसेल्फ. आई रीइटरेट, किसी और से मत पूछो कि भैया मेरी वीकनेस बता दे. अपनी वीकनेस खुद आइडेंटिफाई करो. याद रखना, रीजन इज दैट द बेस्ट पर्सन हु कैन गाइड यू, द बेस्ट पर्सन हु कैन हेल्प यू, द बेस्ट पर्सन हु कैन मोटिवेट यू इज ओनली वन पर्सन, दैट इज यू योरसेल्फ. आई वॉन्डर दैट गॉड हैज गिवन अस ब्रेन, वी नो आर सेल्फ इन द बेस्ट वे बट स्टिल वी आर गेटिंग डिपेंडेंट ऑन अदर्स एंड वी आस्क अदर पीपल यार मेरी स्ट्रेंथ तो बता दो, मेरी वीकनेस तो बता दो. अंडरस्टैंड, आपसे अच्छा कोई आपको नहीं जानता. हैव कन्विक्शन, बताओ आपकी जो वीकनेस है. मे बी यू आर नॉट गुड एट फिजिकल स्टेमिना, मे बी यू हैव पुट ऑन लॉट ऑफ वेट. सर माई वीकनेस इज आई एम नॉट गुड एट यू नो फिजिकल स्टेमिना गेम्स एंड ऑल दैट, बट आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग द गेम्स एवरी डे इन मॉर्निंग. नाउ एट 6 AM आई यूज टू गो फॉर 30 to 45 minutes ऑन ग्राउंड एंड आई एम प्लेइंग. बताओ आपकी जो वीकनेस है. मे बी somebody इज इमोशनली वीक, somebody इज नॉट adaptable, कुछ भी हो सकता है, बट बताओ प्लीज, नो इशू. जिंदगी का एक असूल याद रखना, अगर जिंदगी में कामयाब होना है, अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करो, उस पर एफर्ट्स लगाओ, इम्प्रूव करो. इट माइट हैपन दैट सम ऑफ द वीकनेस विल टेक 1 month टू इम्प्रूव, सम ऑफ देम मे टेक 6 months टू इम्प्रूव, नो प्रॉब्लम. इट डिपेंड्स अपॉन वीकनेस टू वीकनेस, बट योर एटीट्यूड, योर इंटेंशन शुड बी आइडेंटिफाइंग योर वीकनेस एंड मूविंग अहेड. नाउ हियर आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग, दैट देर आर टू काइंड ऑफ पीपल व्हाइल अप्रोचिंग दिस क्वेश्चन. नंबर वन, फर्स्ट पर्सन वुड बी हु विल बी स्पीकिंग just for the sake of speaking that sir my weakness is this and I am trying to improve on it so and so, bhale wo kar nahi raha hoga. Second person would be what I would advise you to become, do not just make your answers for the SSB, I request practically implement in your life, because if you will implement practically in your life there will be two things again, na to aapko jhoot bolna padega. और बेनिफिट इज कि आपकी पर्सनालिटी में ऑलरेडी इनकलकेट होंगी चीजें, आपको फायदा ही होगा. अगेन इफ यू हैव टाइम फॉर SSB, इनफैक्ट आई एडवाइज यू शुड वेक अप वेरी अर्ली बिफोर एंड राइट एटलीस्ट 4-5 months प्रायर, दैट इज ऑलवेज अ गुड थिंग. स्पेंड टाइम इवन इफ यू आर लेफ्ट विद 20 days ऑल्सो, अगर मौका है अपनी इंप्रूवमेंट करने का तो करो. अरे नहीं होगी पूरी, कोशिश तो करो कि कुछ तो इंप्रूव होगा, बट पुट एफर्ट्स टू इंप्रूव ऑन इट. अंडरस्टैंड, नाउ कमिंग टू द स्ट्रेंथ पार्ट. Strength, again, you should be well aware with your strength. What is your strength? आपको आपके strong areas पता होने चाहिए कि आप कहाँ strong हो, कहाँ नहीं हो. हो सकता है कोई बहुत अच्छा motivator है, like some people we identify that when they come across us, they used to motivate people very easily. If you feel that you are having the knack of motivating people, maybe your strength is motivator. Sir, my strength is I am a motivator. Obviously, next question he'll ask, tell me last time to whom you motivated. Then you should not say, no sir, I did not motivate anybody, somebody motivated me. Now you should have something as an example in your pool so that you can justify what you said. Like for example, sir, last time one of the friend got failed in one of the examination. Then I told, and he was quite depressed about it. I told him, see, earlier you have scored all time very good marks. Just because of suffering from jaundice or fever or something like that, you could not perform better. But next time you will do it. Bye, sir, that then he felt good. Next time he prepared and scored better. आपकी practical life में कई बार ऐसा होता है. हो वो बात अलग है कि हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी, तो हमारा कभी ध्यान ही उस पर नहीं गया. कई बार होता है ऐसा, हमने लोगों को मोटिवेट करा हुआ. हो सकता है किसी को फिजिकल गेम्स के लिए आपने मोटिवेट करा हो. लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई वॉज लाइक 90+ kg वेट एंड वन ऑफ द वेरी सीनियर ऑफिसर ऑफ एयरफोर्स, ही इज फिजिकली वेरी फिट. ही मोटिवेटेड मी फॉर द गेम्स. वेन ही मोटिवेटेड मी, ही टुक मी टू द ग्राउंड. आई फेल्ट वेरी गुड अबाउट इट एंड आई स्टार्टेड फीलिंग दैट येस आई कैन ऑल्सो रिड्यूस माई वेट एंड आई केम डाउन टू 67 आफ्टर से ईयर और 1.5 years आफ्टर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट.
अंडरस्टैंड, कोई गेम्स के लिए मोटिवेट करता है, कोई म्यूजिक के लिए भी कर लेता है यार। मान लो कोई हारमोनियम बजाना सीख रहा है एंड ही एक्चुअली गिव अप दैट आई एम नॉट एबल टू लर्न फॉर सो एंड सो रीजन, मेरी लर्निंग बड़ी स्लो आ रही है। अगला कहता है कोई बात नहीं यार, सीखेगा, डोंट वरी। वो कुछ एग्जांपल्स देता है, माइट हैपन यू आर अ गुड मोटिवेटर इफ यू फील सो, बट प्लीज डोंट ट्राई टू लाई। इफ यू आर नॉट गुड मोटिवेटर, डोंट से योर स्ट्रेंथ एज अ मोटिवेटर। मे बी समबडी इज गुड अडैप्टेबल पर्सन, मे बी समबडी स्ट्रेंथ इज एक्चुअली अडैप्टेबल, ही यूज्ड टू ट्रेवल एट लॉट ऑफ प्लेसेज एंड ही गेट एडजस्टेड वेरी इजिली। Maybe he travels to South India, gets easily comfortable with the food of South India. He goes to North India, he gets easily comfortable with the environment of South India, North India, food and everything. हो सकता है आपकी strength है physical stamina, हो सकता है you are emotionally strong, हो सकता है आपकी handwriting अच्छी है, हो सकता है आपका technical knowledge बहुत अच्छा है। There can be n number of strengths. हो सकते हैं कई लोग ऐसे होते हैं, you would have seen like as a कपिल शर्मा सर, नवजोत सिंह सिद्धू जी, right? कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे आसपास जिनके अंदर एक क्वालिटी होती है, जब भी हमारे आसपास आते हैं they are very witty. Witty means you can say कुछ joke crack करते हैं सब हंसने लग जाते हैं, क्योंकि joke मारना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। Some people are having a knack of being witty. W-I-T-T-Y, witty, humorous we call it as. अगर आपको लगता है आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, good it. पर ये मत सोचना विटी होने का फौज से क्या ताल्लुक। अंडरस्टैंड व्हेन एसएसबी इज गोइंग ऑन दे आर नॉट लुकिंग व्हाट यू से रिलेटेड टू फौज, व्हाट वी जनरली परसीव, इट इज योर पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट, असेसमेंट एक्चुअली, राइट? सो प्लीज ओवरकम द मिथ्स दैट जनरली वी हैव अराउंड अस, डोंट लुक एसएसबी विद सम रॉन्ग परसेप्शंस, अंडरस्टैंड, राइट? आपकी स्ट्रेंथ खुद आइडेंटिफाई करें। मैंने तो अभी कुछ चुनिंदा दो तीन एग्जांपल्स दिए, हो सकता है कोई क्रिएटिव है, लाइक मे बी समबडी इज वेरी गुड एट यू नो कुकिंग, वेरी क्रिएटिव, समबडी इज गुड एट आर्ट एंड क्राफ्ट, समबडी इज क्रिएटिव इन टर्म्स ऑफ शॉपिंग ऑल्सो, उनके पेरेंट्स कई बार कमेंट करते होंगे कुछ ना कुछ। अगर आपको लगता है आप क्रिएटिव हो, बताओ सर माई स्ट्रेंथ इज आई एम क्रिएटिव। क्रिएटिविटी ऑल्सो कैन वेरी इन डिफरेंट वर्टिकल्स, डिफरेंट फील्ड्स। व्हाट आई मीन, अपनी जो भी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसको आइडेंटिफाई करो और गिव थॉट टू इट। एंड प्लीज वन मोर थिंग, डोंट ट्राई टू बी इन हेस्ट, जल्दबाजी मत करना कि 10 मिनट बैठे अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस निकाली और डिसाइड कर ली। इट माइट हैपन यू रिक्वायर 4-5 days टू थिंक ओवर इट। गिव टाइम टू योरसेल्फ, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट योर सेल्फ अवेयरनेस। एट लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, दैट इज रिमेंबर वन थिंग, योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर ऑलवेज इंटरनल, दे आर नॉट एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स यू कैनॉट से सर माई स्ट्रेंथ इज माई फादर, योर फादर कैनॉट बी योर स्ट्रेंथ, अंडरस्टैंड? एक्सटर्नल फैक्टर, दैट इज ऑलवेज यू, योर ट्रेट्स। यू कैनॉट से सर माई वीकनेस इज माई गर्लफ्रेंड, शी ऑलवेज यूज टू कॉल मी एंड से फॉर कॉलिंग, अंडरस्टैंड? इट इज ऑलवेज इंटरनल। सिमिलरली वीकनेस ऑल्सो, स्ट्रेंथ ऑल्सो, बोथ द थिंग्स आर इंटरनल, दे आर नॉट एक्सटर्नल, मेक श्योर दिस थिंग। So, at last, I would like to simply say you, give time to yourself, identify your strength, keep consolidating. If your strength is good physical stamina, please don't give up. Because physical stamina banane mein time lagta hai, niche aane mein thoda sa bhi time nahi lagega, yaad rakhna agar exercise chhod di. Keep consolidating. If you run for 10 kilometers, try to have 12 kilometers, keep consolidating. Life mein ek step aage badho. On the flip side, identify your weakness, put efforts, improve on it, and trust me, believe me, if you will put efforts na, automatically confidence will come in you, because confidence is not only about what you stand on stage and speak in front of people. Confidence is also about you do something which you have never done, you get confidence with that also, that yes, I have improved over my weakness, now I have something to speak in interview also, and I have improved in my personality also something. I wish you all the best. Keep doing great in your life. Do well in all the endeavors. Give time to yourself. All the best. Have a nice day. Take care. Thank you so much.